हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर हरमन जीरा। दोस्तों, अज असी आपकी सेहत को सही रखण वास्ते घट्टो घट 14 नियमों की गल करांगे। जे असी इन्हां नियमों अपनी जिंदगी अपना लाँगे तो असी बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं। सो ये वीडियो में यह जानकारी वध तो वध लोगों च शेयर करो ता जो वध तो वध लोग इस जानकारी का लाभ लै सकन। सो आओ दोस्तों, बिना किसी देरी तो शुरू करते हैं भी वह किहड़े नियम आ जिहड़े असी जे अपना लाँगे तो असी बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं। दोस्तों, जे पहले नियम की गल करिए जिहड़ा भी असी खाने च नमक वरतदे आ वो सानू खास ध्यान देना चाहिए कि असी सिर्फ तो सिर्फ सेंधा नमक सानू वरतना चाहिए है। क्योंकि दोस्तों, जिहड़ा असी चिट्टा नमक वरतदे आ उहदे नाल साडे शरीर च वाटर की रिटेंशन हुंदी आ, पानी जमा हुंदा है, जिहदे करके साडा ब्लड प्रैशर वधना शुरू हो जाता है। सो ब्लड प्रैशर वधन नाल होर भी शरीर नूं परेशानियां खड़ियां हो जांदियां। सो हमेशा ये ध्यान रखो कि चिट्टे नमक की जगह सेंधा नमक ही वरतो। दोस्तों, जे अगले नियम की गल करिए दूजे नियम की, तो जिहड़ा तुसीं रात का खाना खाना है वह हैवी नहीं होना चाहिए, भारा भोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो असीं रात नूं भारा भोजन करते हैं तो साडा इहदे नाल भार भी वधदा है, साडा मैटाबोलिज़म आ जिहड़ा वह भी सुस्त हो जाता है। मैटाबोलिज़म की हुंदा, भाव जिहड़ा असीं भोजन करते उस तो बाद जिहड़ियां कैलरीज बनदियां फिर असीं उहनां नूं बर्न करते हैं, इस सारी प्रोसैस नूं प्रक्रिया नूं मैटाबोलिज़म कहा जाता। सो दोस्तों, जदों असीं हैवी भोजन खाने हाँ तां इहदे नाल साडा भार वधण दा खतरा भी वधदा है, इहदे नाल नाल सानूं शूगर की बीमारी होण दा खतरा भी वध जांदा है। तो विज्ञान ये मानदी आ कि जिहड़ा हार्ट अटैक होने का खतरा है वह भी वधदा है हैवी मील लैण नाल। क्योंकि अक्सर तुसीं देखदे आ कि जिहड़ा हार्ट अटैक दे ज़्यादातर मरीजां नूं केस आउंदे आ वह रात नूं ही ज़्यादा मरीजां नूं हुंदा हार्ट अटैक। सो इहदा कारण यही हुंदा कि हैवी मील जिहड़ी असीं रात नूं खाने आ वह हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है। सो हमेशा रात नूं हल्का भोजन करना चाहिए। तो अगले नियम की जे गल करिए खाना खाण तो तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, सानू घट्टो घट 500 कदम चलना चाहिए है खाना खाने तो बाद। जे असी 500 कदम चलते हाँ रोजाना रात को खाना खा के तो ये ना तो साडा भार वधदा है, साडा भार भी घटदा है सगों, तो ना साडे गैस ते एसिडिटी बनती है, तो रात को जिहड़ी नींद आ वह भी बहुत वधिया आउंदी आ। तो दोस्तों, अगला नियम यह आ कि खाना खाने तो तुरंत बाद सानू पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जो असी तुरंत बाद पानी पीने उहदे नाल एक तो जिहड़ा साडा डाइजेशन विच रुकावट आउंदी आ, रोटी वधिया तरीके नाल जिहड़ा असी भोजन खादा वह हजम नहीं हो पाउंदा, ते नंबर 2 इहदे नाल साडा पेट भी फुलदा है ते साडा भार भी वधदा है। सो खाना खाण तो तुरंत बाद नहीं पानी पीना चाहिए, घट्टो घट अद्धे घंटे बाद सानू जिहड़ा पानी आ वह पीना चाहिए है खाना खाण तो। ते दोस्तों, सवेरे जो असी उठते हाँ तो हमेशा ये आदत पाओ कि निरने काल जे तुसी गुणगुणा पानी पियो सवेरे उठ के पहला तो। सो इस तरह करना भी साडा एक तो पाचन क्रिया वधिया रहिंदी आ, साडा भार भी घटना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों असी काफ़ी बीमारियों तो भी बचे रहने हैं। तो ये नाल नाल ये जरूर आदत पाओ कि कदे भी निरने काल जे चाह जां कॉफ़ी का सेवन ना करो। क्योंकि चाह कॉफ़ी भी जदों असी निरने काल जे पीने उहदे नाल साडे गैस ते एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, एक तुसी खास ध्यान रखना है जे अगले नियम की गल करिए जिहड़ियां चिट्टियां चीज़ा है उन्हां दा परहेज करना। चिट्टियां चीज़ों तो भाव चिट्टा नमक हो गया, चिट्टी खंड होगी, फिर चिट्टे चौल ते चिट्टा आटा भाव मैदा। दोस्तों, जिहड़ियां भी सारियां चिट्टियां चीज़ां मैं दस्सियां तुहानूं इन्हां च एक तां कैलरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हुंदी आ, ते नंबर 2 इन्हां च पौष्टिक तत् जिहड़े उह ना मात्र हुंदे आ, तो जिहड़ा फाइबर आ इन्हां च वह भी बहुत घट पाया जाता है। सो ये सारियां चीज़ां कुल मिला के साडी सेहत नूं नुकसान पहुँचाउंदियां है। सो जिहड़ियां मैं तुहानूं चिट्टियां चीज़ां दस्सियां इन्हां दा परहेज ही करना चाहिए। तो दोस्तों, खाना बनाउण वक्त जिहड़ा तुसीं तेल की वरतों करदे आ कदे भी रिफाइंड तेल ना यूज़ करो, वह बहुत ही कैमिकल प्रोसैस विच्चों कढ के बड़ा उहनूं हानिकारक बना दिता जाता है, जिहड़ा साडी सेहत नूं बहुत खराब करदा है। तो दोस्तों, जिहड़ा तुसी खाना बनाउण वक्त जो भी तेल वरतना है वह तुसी कोशिश करो भी गां दा घिओ वह वरतो, नहीं तो तुसी सरों दा तेल वरत सकते हैं, नारियल दा तेल भी वरत सकते हैं। सो इहदे नाल नाल तिलां दा तेल भी बहुत वधिया रहिंदा है। सो कदे भी रिफाइंड जिहड़ा ऑयल आ वह नहीं वरतना चाहिए।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸਲਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸਲਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸਲਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਡੀਟੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸੇਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਬ 'ਚ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਪ ਅਜਿਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਆ। 10,000 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।